लो बचा लिया दिया। लेकिन सिंदूर पूरा बिखर गया निहार जी। तो क्या हो गया रुचिता, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज के पीछे कोई बुरा संकेत छुपाओ। और प्लीज तुम ऐसे बेकार के वहम पालना बंद करो। ठीक है मैं कोशिश करूंगी, लेकिन निहार जी आज जाना जरूरी है क्या? अगर कोई ठोस वजह होती ना तो मैं नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे वहम की वजह से मैं नहीं रुकूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना ना तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊं। नहीं खाटू महाराज जी, प्लीज मेरे वहम को वहम ही रहने दीजिएगा, उसे हकीकत मत बनने दीजिएगा। सुखी रहो। तुम लोग मंदिर जा रहे हो ना, तो वहां अपने नाम का धागा बांध लेना, ताकि खाटू श्याम जी की कृपा से जल्दी सी ये घर बच्चे की किलकारी से गूंजे। खुश रहो, संभल के जाना बेटा। जी पापा। हैप्पी जर्नी भाई। हैप्पी जर्नी, थैंक यू। निहार जी अब एक मिनट। क्या वो? ताली नहीं मांग रही हूँ, कार की चाबी मांग रही हूँ। प्लीज निहार जी आज कार मुझे चला लेने दीजिए। रुचिता अभी तो तुमने नई नई गाड़ी चलाना सीखा है, और लंबा रास्ता है, इतनी ट्रैफिक होगी, ठीक नहीं है गाड़ी चलाना। और वैसे भी आगे पतली पतली सड़कें आएगी, जैसे ही हाईवे पे पहुंचेंगे खुली सड़क आएगी तो मैं तुम्हें गाड़ी चलाने दे दूंगा। पक्का? पक्का। ओके चलो। चले अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। क्या हो गया? देखा गाड़ी भी नहीं जाती कि हम आज कहीं बाहर जाएं। रुचिता तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, अभी देखो। चलो ये बिल्ली के रोने की आवाज कहां से आ रही है? नरेश ये अच्छा शगुन नहीं है, बिल्ली का रास्ता काटना या रोना अच्छा नहीं होता। मुझे तो अभी से बच्चों की फिक्र हो रही है। हाँ आप चिंता मत कीजिए। हाँ दादी जी अब फालतू ही इतना सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ देखिए आवाज भी चली गई। हाँ अब परेशान मत होइए, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। ये क्या हो रहा है निहार जी? गाड़ी चला रहा हूँ और क्या? ऐसे? हाँ और कैसे चलाते हैं गाड़ी? निहार जी हाथ छोड़िए और रोड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। रुचिता मेरी कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, मैं एक वक्त पर अपनी बीवी पर और रोड पर इक्वली फोकस कर सकता हूँ। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको खुद पर? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है मेरा। गाड़ी चलाने में तो मैं चैंपियन हूँ, वो तो मॉम ने जाने नहीं दिया। एक तो प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर बनना था मुझे। सच? हाँ कार्स का बहुत शौक था मुझे। इनफैक्ट बचपन में मैं कार्स के अलावा और किसी चीज से नहीं खेलता था। ग्रेजुएशन में पापा ने मुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने के लिए भी कहा था, लेकिन लेकिन क्या? मॉम की फ्रेंड के किसी बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और मेरी कार कैंसिल हो गई। आई स्वेयर रुचिता उस दिन इतना गुस्सा आया था ना मुझे, अपना सारा सामान पैक करके भाग रहा था मैं, और इनफैक्ट जाने भी लगा था, लेकिन एक मैसेज आया और सारे कपड़े कबर्ड में वापस पैक कर दिए। किसका मैसेज था? बैंक का। मॉम को पता चल गया था कि मैं भाग रहा हूँ, तो उन्होंने पापा से कहकर मेरे सारे कार्ड्स और अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था और तुम्हें हंसी आ रही है? सॉरी सॉरी निहार जी आपकी बातें है ही इतनी फनी। फनी? मेरे करियर की यहाँ बैंड बज गई और तुम्हें फनी लग रहा है? सॉरी सॉरी निहार जी आपने करियर ही ऐसा चुना था। लोग करियर चुनते हैं अपनी लाइफ सेटल करने के लिए, लाइफ बर्बाद करने के लिए नहीं। ऑब्वियसली किसी के भी माँ बाप मना कर देंगे शायद, पर उनका नजरिया मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन आज जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो उन्होंने सोचा सब सही सोचा।
और वैसे भी अगर तब मैं प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर बन जाता तो फिर आज तुम्हें कैसे मिल पाता। वैसे सही कहा है किसी, जोड़ियां तो भगवान ही बनाते हैं, इंसान तो सिर्फ एक जरिया होता है। शायद तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना लिखा था, इसीलिए मेरे साथ वो सब कुछ हुआ। बस बस बहुत हो गई बातें, अब गाड़ी पे ध्यान दीजिए रेसर साहब। नेहा जी संभाल के। हाँ रुचिता संभाल लिया ना मैंने, और वैसे भी गलती उस ट्रक वाले की थी, बीच रोड पे गाड़ी स्लो कर रहा था। हम उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप प्लीज ध्यान से चलाइए। हाँ ठीक है टेंशन मत, ध्यान से चलाऊ। हे खाटू श्याम जी, हमारे घर पर आई इतनी बड़ी मुसीबत आपने टाल दी, अब आगे भी इसी तरह सब ठीक रखिएगा, मेरे बच्चों को सही सलामत रखिएगा खाटू जी। खाटू श्याम जी, मेरे बच्चों पर अपनी दया बनाए रखिएगा। निहार और रुचिता अच्छी तरह से जोधपुर पहुंच जाए, बस मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पूनम भी अभी तक बाजार से लौटी नहीं है, एक बार निहार और रुचिता को फोन करके पूछती हूँ कि उनका सफर कैसा कट रहा है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही? पता नहीं बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब तक निहार और रुचिता ठीक से जोधपुर नहीं पहुंच जाते ना, मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। आप कहाँ की फिक्र कर रही हैं? निहार के साथ रुचिता है, जो अपना और निहार दोनों का अच्छे से ख्याल रखेगी, आप फिक्र न करें। क्या हुआ निहार जी, आप मुझसे गुस्सा हो गए क्या? सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवररिएक्ट कर दिया। निहार जी सॉरी ना प्लीज़, अब तो मान जाइए, आप गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जानता हूँ, माफ़ तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, तुम्हें मेरी पसंद की चूड़ियाँ पहननी पड़ेगी, वो भी मेरे हाथों से, और जब तक तुम ये चूड़ियाँ नहीं पहनोगी मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा। वो सामने चूड़ियाँ देख रही हो, वहीं रुकते हैं। आपने रोका क्यों नहीं? रुचिता वो ब्रेक नहीं लग रही है। क्या? हाँ, ब्रेक्स लूज हो गई है। ब्रेक? संभल के, चाय गिर जाएगी। इसमें चीनी डाली? हाँ। थैंक यू बेटा। आज कितने दिनों बाद इस घर में हंसी की अग्नि चलाई जा रही है। हाँ, बस अगर निहार भैया और रुचिता होते तो और अच्छा लगता। हाँ, वो तो है। थैंक यू बेबी, पर मुझे लग रहा है कि वो भी अभी सफर में मजा ही कर रहे होंगे। नहीं हाँ। निहार जी एक बार हैंड ब्रेक ट्राई कीजिए। लगता है ब्रेक्स फेल हो गई। निहार जी, रुचिता यहाँ पास में ही जंगल है और वहाँ कच्ची मिट्टी भी होगी, तुम वही कूद जाना, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। नहीं निहार जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। रुचिता प्लीज मेरी बात मानो, जिद मत करो, प्लीज तुम कूद जाओ। निहार जी मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रुचिता प्लीज। ओह नो, निहार जी।
निहार और रुचिता फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? 1, 2, 3 प्रिया, ये तस्वीर कैसे टूट गई? कहीं हमारे निहार को कुछ हो तो नहीं गया? माँ, आप ये देखो, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं? प्रिया से खेलते खेलते टूट गई ये तस्वीर। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा निहार को। ये अच्छा शगुन नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है ये। तुम निहार और रुचिता को वापस बुला। हाँ ठीक है ठीक है, आप बैठिए माँ, आप बैठिए बैठिए बैठिए, ये रख दो। निहार जी, निहार जी, प्लीज उठिए निहार जी, होश में आइए निहार जी, निहार जी, कोई है निहार जी, प्लीज होश में आइए। फोन मेरा फोन। निहार जी का फोन टूट गया। निहार जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। निहार जी, कोई प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई। भैया प्लीज रोकिए, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाना, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। मैं इनको बाइक पे तो नहीं जा सकता, आप यहाँ रुकिए, पास में एक नर्सिंग होम है, तो मैं किसी मदद के लिए भेजता हूँ। निहार जी प्लीज अपनी आंखें खोलिए, निहार जी प्लीज होश में आ जाए। महाराज जी की जय। Scissor.
हेलो नरेश माँ, आपका डर सही है क्या? यार और रुचिता की कार का एक्सीडेंट हो गया। पापा, दादी जी, पापा संभालिए अपने आप को। दादी जी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा रुचिता और निहार भैया को। हमें जल्दी चलना चाहिए। पापा, हम जल्दी चलते हैं, माँ को रास्ते से ले लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। उठिए दादी जी, चलिए, परेशान मत होइए। भगवान, रुचिता। पापा जी, रुचिता, ये सब कैसे हो गया? निहार कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उनका एक्सीडेंट हो गया, वो उन्हें बहुत चोट आई है। डॉक्टर ने सीधा उन्हें आईसीयू में लेकर गए। हाईवे के पास वो एक छोटा सा गांव है ना, वहां पे। प्लीज नहीं, आज कार मुझे चला लेने दीजिए। जैसे ही हाईवे पे पहुंचेगा, खुली सड़क आएगी, तो मैं तुम्हें गाड़ी चलाने दे। हाईवे पर तो तुम गाड़ी चलाने वाली थी ना। रुचिता, हाईवे का मामला था। अगर तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती थी तो तुमने निहार से क्यों ली? क्यों उसकी जान खतरे में डाली तुमने? नहीं दादी जी, माँ, मैं चुप, एकदम चुप। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है वो, और तुम यहाँ सही सलामत पड़ी हो। पर माँ, मैं गाड़ी नहीं चला रही थी, वो गाड़ी में कुछ खराबी हो गई थी, ना मेरी गलती है ना निहार जी की गलती। लेकिन गाड़ी में खराबी आई कैसे? वो तो कड़ी समय से आई थी। पता नहीं भैया, पर ब्रेक्स लग नहीं रहे थे। अपनी गलती छिपाने के लिए बकवास करना बंद कर दो तुम रुचिता। मेरा बेटा वहाँ बेहोश पड़ा है, अपने लिए लड़ नहीं सकता, इसलिए तुम उस पर इल्जाम लगाकर बचना चाहती हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो रुचिता, अगर मेरे निहार को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे तुम? निहार की तबीयत कैसी है? उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है इस वक्त, उन्हें दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। आप सब लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर उन्हें जल्दी होश नहीं आया तो शायद हम उन्हें खो दें। आप पेशेंट की पत्नी है ना? चलिए, आपको डॉक्टर ने बुलाया। हमारा बेटा कैसा है? देखिए, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, आप लोग अंदर आकर डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। वैसे तो हम लोग उनका इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। आप सब लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर उन्हें जल्दी होश नहीं आया तो शायद हम उन्हें खो दें।
निहार जी से मिलना है। तुम कहीं नहीं जाओगे रुचिता, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की यह हालत हुई है, तुम्हारा तो साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं उस पर। नहीं माँ प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे निहार जी से मिलने दीजिए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी चलाने की इज्जत करके उसे इस हालत तक पहुँचा कर तसल्ली नहीं मिली तुम्हें, जो अब उसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो तुम। माँ मैं निहार जी के लिए जान दे सकती हूँ पर उन पर आँच भी नहीं आने दे सकती, प्लीज मेरा यकीन कीजिए मैं गाड़ी नहीं चला रही थी माँ। पूनम मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ लेकिन अपने दुख के लिए आप एक पत्नी को झूठा करार नहीं दे सकते। जब रिचिता कह रही है कि वो गाड़ी नहीं चला रही थी तो आप मान क्यों नहीं लेती? उसे जाने दीजिए निहार के पास, ये हक है उसका। रिचिता को पहले ये मेरा हक है, जब तक मेरा बच्चा होश में नहीं आ जाता और ये नहीं बताता कि क्या हुआ था उस वक्त, तब तक ये लड़की मेरे बेटे से नहीं मिल सकती। होश में नहीं आ जाता और ये नहीं बताता कि क्या हुआ था उस वक्त, तब तक ये लड़की मेरे बेटे से नहीं मिल सकती। और संकट के बादल तेरे सर पे मंडरा रहा है, इस मुश्किल से बचने का कोई तो उपाय होगा ना बाबा? इस उपाय को करने से तेरा सुहाग तो वापस आ जाएगा लेकिन उसके बदले में तेरा बहुत कुछ कीमती तुझसे छीन लिया जाएगा। घोर संकट के बादल तेरे सर पे मंडरा रहा है, इस मुश्किल से बचने का कोई तो उपाय होगा ना बाबा? इस उपाय को करने से तेरा सुहाग तो वापस आ जाएगा लेकिन उसके बदले में तेरा बहुत कुछ कीमती तुझसे छीन लिया जाएगा।